हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करेंगे, 3D ज्योमेट्री क्लास 12। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्ट द लाइन एट पाई बाई थ्री। दो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही हैं और वो इस लाइन के साथ पाई बाई थ्री एंगल बना रही हैं। उस लाइन की हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक लाइन है ये जो ओरिजिन से पास कर रही है और ये इस लाइन के साथ पाई बाई थ्री एंगल बना। कौन सी लाइन के साथ? जिसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, वाई माइनस थ्री अपॉन वन, जेड अपॉन वन। तो अभी हम ये एक लाइन को लेके चल रहे हैं, फिर दूसरी लाइन हमारी सिमिलरली इसी से उससे निकल जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स इक्वल टू टू लैम्डा प्लस थ्री, वाई इक्वल टू लैम्डा प्लस थ्री, जेड इक्वल टू लैम्डा। तो ये P पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या है पॉइंट? टू लैम्डा प्लस थ्री लैम्डा प्लस थ्री और लैम्डा, ठीक है। बस अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी। ये जो ओपी लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 0, लैम्डा प्लस 3 माइनस 0, लैम्डा माइनस 0, यानी 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, ये जो लाइन गिवन है इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 2 1 1 और एंगल कितना दे रखा है पाई बाई। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हम सभी को याद है, कोस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट में ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन स्क्वायर। अब हमारे पास ये सारी चीजें हैंगी तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में एंगल है पाई बाई थ्री, ए वन ए टू मतलब टू लैम्डा प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू, लैम्डा प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन, लैम्डा प्लस वन अपॉन में अंडर रूट में 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देख लेते हैं कितना आ रहा है, ऊपर आ गया 2 लैम्डा 3 लैम्डा और ये लैम्डा 4 लैम्डा नहीं 2 2 या 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये हो गया 6 लैम्डा, 3 2 जा 6 प्लस 3 9 प्लस 9 अपॉन में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9, 3 2 जा 6 12 लैम्डा ये ध्यान से करना है थोड़ा सा कैलकुलेशन, प्लस लैम्डा स्क्वायर और इन टू में रूट 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट 6 और अंडर रूट में 4 और 1 5 और 1 6, 6 लैम्डा स्क्वायर 12 और 6 18
लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 2 × 6 लैम्डा प्लस 9। यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये 6 आ गया, यहाँ आ गया 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 36, और 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 लैम्डा, ये इससे कट गया, तो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 24 लैम्डा स्क्वायर। या हम यहाँ पे एक काम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, तो ये 6 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के इक्वेशन बन गई 3 लैम्डा स्क्वायर 12 माइनस 3 9 लैम्डा और प्लस 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टर्स कर लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू -1 और -2, तो -1 और -2 आ गया। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट पी है क्या था, वो 2 लैम्डा प्लस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं एक बार, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, तो लैम्डा का -1 लेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा, तो पी पॉइंट आ गया 1 2 -1। ठीक है, अब जैसे देखो लैम्डा की वैल्यू -1 लिए तो एक पॉइंट पी आ गया, इसी तरह से अगर हम एक दूसरी लाइन और लेते जो ओरिजिन से पास कर रही होती, वो भी यहाँ से ये वाला पॉइंट ओरिजिन लेते, इसका एंगल भी पाई बाई 3 है, तो उसका जो पॉइंट क्यू है वो हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे, तो क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा, उसमें हम लैम्डा की जगह -2 रख देंगे, तो 2 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 और -2 -1 1 और -2, तो P पॉइंट आ गया, Q पॉइंट आ गया। अब हम इक्वेशन निकाल लेंगे, दो इक्वेशन पूछी है, इक्वेशन ऑफ OP, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x-x1 x2-x1 y-y1 y2-y1 z-z1 अपॉन z2-z1, तो O हमारा ओरिजिन है ही, तो x-x1 ओरिजिन ले लिया, और फिर 1-0 y-y1 2-0 z-z1, ये तो एक आंसर तो ये आ गया, x/1 y/2 z/-1। एंड ओ क्यू की इक्वेशन क्या होगी, वही x/0, अब मैं सीधा लिख देता हूँ, तो x/-1 y/1 z/-2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने दो लाइन निकाल दी जो ओरिजिन से पास कर रही है, और उन दोनों का एक गिवन लाइन से जो एंगल है वो पाई बाई 3। तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।